रहा हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर आप देख सकते हैं तमाम धर्मगुरु यहाँ पे मौजूद है और कहीं ना कहीं एक संविधान एक जो है राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हमारे साथ योगी राज जी जुड़ चुके हैं। सर सर्वप्रथम मैं अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की आज? हमारी जो मांगे हैं विगत 9 अगस्त 2021 से जारी हैं। महामहिम राष्ट्रपति के आश्वासन पे हमने कार्यक्रम का जो आत्मदाह का जो हमारा कार्यक्रम था उसको हमने स्थगित करके 9 देशों में अपने इस कार्यक्रम को मैं निरंतर जारी रखा। विश्व पुरोहित यजमान न्यास के सानिध्य में धर्म एवं संस्कृति संरक्षण सुरक्षा प्रपंच के संयोजक योगी कैलाशनाथ जी के द्वारा जो अभी अखाड़ापति हैं औघड़ अघोरी समाज के, इनके नेतृत्व में जो है हमारा अगस्त क्रांति 2021 हिंदू महापंचायत निरंतर जारी है। हम 3 सूत्रीय मांगों को लेके भारत सरकार के समक्ष अडिग हैं। पहला, भारत यदि एक राष्ट्र है तो भारत में एक राष्ट्र एक संविधान लागू हो, जो कि भारत में वो नहीं है। भारत सरकार ने हमें कहा था कि हम आपको 2022 तक भारत में एक राष्ट्र एक संविधान लागू करके दे देंगे। आज 2024 हो गया, लोकसभा चुनाव भी आने वाला है, या मतलब समझो कि उसकी घंटी बजने बज चुकी है, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं हुआ। हमारा भारत सरकार से एक ही मांग है कि हमारे 3 मांगों में से कम एक मांग लोकसभा 2024 के पहले एक राष्ट्र एक संविधान लागू करें, मतलब समान नागरिकता संहिता लागू यथाशीघ्र करें। दूसरा जो मांग हमारा है कि भारत को धर्म सापेक्ष राष्ट्र घोषित करो। 1946 में भारत को धर्म के आधार पर बांटा गया था। टू नेशन थ्योरी धर्म के आधार पर बांटी गई थी। उस पृष्ठभूमि के पीछे नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन तत्कालीन जो इंदिरा गांधी जो डायन थी भारत की, जो भारत को सत्यानाश कर दिया, उसने जो है 1975-76 में 42वां संशोधन करके भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया, जो हम बहुसंख्यकों के लिए आत्महत्या के समान स्थिति थी, हमारी सारी चीज़ें थी। और ये सब जो है हमारे लिए बहुत ही घातक हुआ, और हम भारत सरकार से बारंबार मांगते हैं जो 42वां संशोधन भारत के संविधान में इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया है, इसे जो है यथाशीघ्र जो है विधेयक पास करके निरस्त करें और भारत को धर्म सापेक्ष राष्ट्र घोषित करें। तीसरा जो है, हर कोई मठाधीश बना हुआ है, हर संप्रदाय के लोग बने हुए हैं, सबकी अलग व्यवस्था है, लेकिन जो हमारे जो हिंदू मठ मंदिर है उससे भारत सरकार को अरबों खरबों रुपये प्रतिवर्ष जाता है। वो पैसा कहाँ जाता है, वो पैसा कहाँ जाता है आज तक हमें मालूम नहीं है। इसलिए यदि भारत के मठ मंदिरों का पैसा सरकार के खाते में जाता है तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति का पैसा भी भारत की सरकार के खाते में जाना चाहिए, ईसाइयों का भी पैसा हमारे भारत सरकार के खाते में जाए। इसके लिए राष्ट्रीय धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन करना हमारे आप ये सीधा सीधा कहना चाह रहे हैं कि जो हिंदुओं के साथ है वो भेदभाव हो रहा है। भारत में हिंदू दोयम दर्जे का नागरिक है, भेदभाव तो छोड़ दो, दोयम दर्जे का नागरिक है, हमारी कोई सुनती नहीं, सुनवाई नहीं है। तो लग रहा है कि आप सुन लेंगे सरकार? सुनना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है, नहीं सुनेगी तो सरकार सत्ता से बाहर जाएगी। राम मंदिर बन तो गया? राम मंदिर बन गया, शिव मंदिर में पूजा हो रहा है, किस्म बाकी है, जामा मस्जिद को भी हम यमुना माता का मंदिर बना कर रहेंगे। ऐसे ही लगता कि देश में जो है फिर द्वेष फैलेगा इस तरीके से, हम अपनी अपनी बात करें, आप सबको लेके क्यों नहीं चलते? नहीं, हम सबके साथ हैं, सबके साथ है, तुष्टिकरण किसी के साथ हमारा नहीं है, तुष्टिकरण का विभेद हमारे किसी ने, सबके साथ है हमारा विश्वास, सबके सम्मान में साथ खड़े हैं, लेकिन हम सम्मान दें, मुझे आप गाली दो एक कदापि स्वीकार नहीं है। हमारे साथ जो है योगी कैलाशनाथ अखाड़ापति जो मौजूद है, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? तब से लेकर अब तक हमें इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी कि ज्ञापन पत्र राष्ट्रपति महोदय को सौंप देना, उस बारे में बीच में स्मारक पत्र भी हमने डाला, लेकिन हमारे पास कोई भी मतलब उत्तर नहीं मिला, जिसके लिए आज हमें यहाँ पे बैठना पड़ा है, ज्ञापन पत्र सौंप रहे हैं और शांतिपूर्वक अपनी मांगों को फिर से रखेंगे। आज हम महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, अगर आज भी आपकी मांग नहीं सुनती है सरकार तो आज हम ज्ञापन पत्र दे रहे हैं और 9 अगस्त तक का समय दे रहे हैं।
नहीं तो दोबारा से 9 अगस्त 2021 में हमने सुना था, अब हम 2024 इससे पहले भी आप धरना कर चुके हैं। इससे पहले हमने 2-3 यात्राएं निकाली हैं अलग अलग स्थान पर अपना कार्यक्रम। तो आपके साथ और धर्मगुरु क्यों नहीं? ढूंढ का गाँव में 14 से 15 दिन तक हम लगातार बैठे हैं, उसके बाद सुनवाई नहीं था नातमगा के लिए। आपके साथ और भी धर्मगुरु हैं जो जुड़ चुके हैं? क्योंकि धर्मगुरु बहुत सारे साथ हैं, लेकिन हिंदू के अलावा कोई नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि सबको अपने दान पात्र की चिंता है। दान पात्र हिंदू का जा रहा है तो हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ेगा, कोई अन्य नहीं। मतलब लग रहा है कि जो हिंदू के साथ अन्याय हो रहा है ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। किसी भी दुनिया के किसी भी देश में दो मापदंड कानून के कहीं पर नहीं है। कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। अगर धार्मिक कानून को देखा जाए तो वो हिंदुओं के साथ अलग व्यवहार कर रहा है। कहते ये तो हिंदुओं की सरकार है। ये हिंदुओं की सरकार है लेकिन अन्य लोगों के द्वारा ब्लैकमेल होती हुई हिंदू सरकार है। अच्छा, सरकार को एक तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है। वोट का चक्कर सबको दुखी करता है, वोट का चक्कर सब किसी को मुंह से कोई कुछ भी बोलते, लेकिन सामने प्रत्यक्ष में हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये कहते हैं किसी की धार्मिक भावना यहाँ होती है। अगर हम अपने बच्चों के लिए कहते हैं कि सेल्फ डिफेंस के लिए आप आत्मरक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र चलाना सीखो तो वो हेट स्पीच होती है। सबको लेके चलना होता है, सबको लेके चलना, लेकिन धर्मगुरु कितने सबको साथ लेके चल रहे हैं। जब हिंदुओं को कन्वर्जन कराया जा रहा है, हिंदुओं बच्चे बच्चों को मारा जा रहा है, अब पिछले साल में कितने केस हुए वो सबके सामने है। हम किसी का नाम नहीं लेते, किसी पे आक्षेप नहीं करते, किसी की धार्मिक भावना आप नहीं करते, लेकिन डके शब्दों में स्पष्ट भी बोल रहा हूँ। पिछले वर्ष में अगर आप गिनती करें हिंदू लड़कियां ही क्यों मारी जा रही, लव जिहाद के शिकार हिंदू लड़कियां क्यों हो रही है, अगर गिनती करें मुस्लिमों को बदनाम किया जा रहा है। अब जितने भी मरने वाले हैं, दासना मंदिर पे हमला करने वाले, गुरु गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में हमला करने वाले, क्या मुसलमान नहीं थे? अगर कन्हैया लाल दर्जी की बात करें तो क्या उनको मारने वाले मुसलमान नहीं था? जब विवादित बयान देंगे तब नितेश फोर पटेल उनको मारने वाले मुस्लिम परिवार नहीं था? कितने लोग हैं, कितने गिनवाओं में पूर्व। अगर निकिता तोमर की बात करें यहाँ पे क्या था मेवात में, तो वहां पे भी वही था। उस लड़के की मान क्या का, उस लड़की का क्या भी कर जाता अगर मेरे बेटे के साथ शादी कर लेती, अगर वो शादी से मना नहीं करती तो मेरा बेटा मारता नहीं। जब ये बात सुनने को मिलती है तो हिंदू धर्मगुरु उनको कैसे साथ लेके चलेगा? तो यानी कि कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं देवबंद से जब बार बार में फतवे जारी किए जाते हैं, अभी पीछे उन्होंने बद्रीनाथ धाम पे जाके नमाज पढ़ी है और ये तक बोला है कि ये हमारे बद्रुद्दीन शाह की दरगाह है, इसको हिंदू खाली करे, ये कोई मंदिर नहीं, इसका दावा खत्म करे। जब ये बात बोली जाती है क्या हिंदू धर्मगुरु उनके साथ मिलकर चल पाएगा? तो सेकुलरिज्म की गुटी, सेकुलरिज्म की गुटी जब से देश का कानून बदला गया, जब से धर्म निरपेक्ष बना, ये सेकुलरिज्म की गुटी पिलाई गई है। नहीं तो धर्म के आधार पर देश के दो टुकड़े, ये पूरा का पूरा सनातनी राष्ट्र था। तो ये काम तो धर्म गुरुओं का है ना कि सबको लेके चलना है, तो आप लोग कैसे लेके चलेंगे सबको, क्योंकि देश में तो समरसता एकता को बनाए रखना है ना। धर्म गुरु किसको लेके चलेगा? धर्म गुरु के साथ जो धर्म के साथ सहमत है उसी को लेके चलेगा ना। जब वो कहते हैं कि मंदिर की घंटी की आवाज से हमारा मजहब भ्रष्ट होता है, ये मंदिर की घंटी बंद, जहाँ कम्युनिटी पर 50% 60% पहुंच जाती है तब उनके मजहब में दिक्कत आने, मंदिर का स्पीकर बंद करो, मंदिर की घंटी बंद करो, पूजा पाठ बंद करो, अगर कोई सर जलसा निकलता पिछले साल कितने जलसे निकले कितने जागीरपुरी दंगे में भी यही हुआ है, शोभा यात्रा अच्छी वाली निकल रही है उसमें हमला होता, कभी ताजिए पे हमला हुआ, कभी हज यात्रा पे हमला हुआ, लेकिन भारत में ऐसा क्यों होता है कि हिंदू शोभा यात्रा कभी निकलती, हिंदू त्योहार पे इतनी बड़ी सिक्योरिटी लगानी पड़ती है, अमरनाथ यात्रा कभी भी दंगे फसाद के बगैर नहीं निकलती। लेकिन अब सर सबको लेके चलना है तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, आप क्या मांग रख रहे हैं आप लोग? हमने सबके लिए एक मांग रखी है, एक राष्ट्र एक संविधान, किसी के लिए दोहरा कानून नहीं होना चाहिए। सभी धार्मिक मत पंथ संप्रदाय के प्रतिष्ठानों का एकीकरण करके राष्ट्रीय न्यास बोर्ड बनाया जाए, सबके लिए वहां पे भी कानून। जब धार्मिक कानून अलग है, जातिवाद का कानून अलग है,
मंत्री के लिए कानून अलग है, संतरी के लिए अलग है, आम नागरिक के लिए अलग है, तो कैसे देश एक रस्म चला? जब संविधान खुद बांटता है, जब मुस्लिम कम्युनिटी की बात आती है, क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात आती है, आप जातिया कोलम नहीं होता, हिंदू का जब नाम आता है तो वहाँ पे कोलम को होता जातिया, क्या वहाँ पे हिंदू लिखना जरूरी नहीं है? क्या हिंदू लिखने से काम नहीं चला? जब उन सब का काम चल जाता है हिंदू लिखने से, तो अन्य धर्म का नाम लिखने से, तो हिंदू का जातिवाद में क्यों बांटा है? तो जातियां फिर क्यों बनाई हैं? ये जातियां किसने बनाई हैं? तो ये अन्य उसमें भी है ना, वहाँ भी मुसलमान है, कुरैशी है, रहमानी है, अलग अलग है, वहाँ पे क्यों एक होता है? तो सर लास्ट में क्या संदेश और क्या अपील करना चाहिए? सिर्फ ये संदेश कहना चाहता हूँ, देश की सरकार को चलाने वाले से भी, चाहे वो डेमोक्रेसी से, चाहे वो अफसरशाही से, कोई भी आदमी है, सभी इस पे विचार करें और संविधान में संशोधन, जब राजनीतिक स्वार्थों की संपूर्ति के लिए संशोधन किया जा सकता है, क्या देश को एकजुट करने के लिए संशोधन नहीं किया जा सकता? देश को एकजुट करने के लिए संशोधन करें, संविधान को दोबारा से पढ़े। आज तक किसी को भी संविधान की मूल प्रति सत्यापित प्रतिलिपि नहीं दी गई। अगर संविधान की मूल सत्यापित प्रतिलिपि के अंदर जो संविधान लिखा गया उसको भी देखा जाए, पूरा रीड करके उसमें काम किया जाए, तो भी देश की बहुत सारी समस्या ऐसे ही हल हो जाएगी। ओम श्रीनाथ जी को आदेश, अगर राजेंद्र नाथ क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आप भारत एक राष्ट्रीय संविधान घोषित करने की मांग को लेकर के आप लोग नई दिल्ली के जंतर मंतर आए? कई बार ऐसा पूछा गया है कि धर्म गुरु समानता की समरसता की बात क्यों नहीं करते, तो उसके जवाब में यह है कि धर्म गुरु जो धर्म का गुरु बनता है वो धर्म को बचाने, प्रभु का भजन करने के लिए जब अपने परिवार, अपने काम धंधे, रोजी रोजगार सब कुछ छोड़ता है, तो वो किसी और धर्म के जो है उनके बुद्धिजीवी, उनके प्रबुद्ध लोग, उनके पास धर्मगुरु क्यों जाएगा? उनको कोई चर्चा करनी है तो वो धर्मगुरु के पास आ सकते हैं। जैसा कि राम मंदिर बनाने में बैठक हुई थी तो उनके दूसरे धर्म के कई बुद्धिजीवी, प्रबुद्ध और धर्मगुरु साथ में बैठे थे, तो वो आकर पहल भी करें ना, हमेशा हम ही क्या पहल करते रहेंगे, केवल मात्र धर्मगुरु और वो भी सनातन धर्म के धर्मगुरुओं का ही, दूसरे धर्म के धर्मगुरुओं का कोई दायित्व नहीं है। और दूसरा तो सबके प्रति और दूसरा रखता है ना, और दूसरा कि अगस्त क्रांति 2021 हिंदू महापंचायत का हमारा जो 2021 से चल रहा है, इसमें पूरे देश के बहुत साधु संत जुड़े हुए हैं, पर समस्या क्या है कि वो जो छोटे छोटे निर्धन जो साधु हैं, छोटे छोटे अपने धुने लगा के, छोटी छोटी कुटिया डाल के, जैसे यमुना जी के किनारे पे, दिल्ली सरकार खूब कह रही है कि यमुना जी के किनारे पे जो हम यमुना जी की सफाई करेंगे, जब यमुना जी के किनारे पे तुम साधुओं को बैठने नहीं दोगे, 100 वर्ष पुराना मंदिर तोड़ोगे, 200 वर्ष पुराना मंदिर तोड़ोगे, तो यमुना जी की सफाई भी कैसे होगी? यमुना जी की सफाई तो तभी हो पाएगी ना जब वहाँ साधु संत बैठे, लोगों को धर्म कर्म से जोड़े, पेड़ों को बचाने का काम साधु बताता है पब्लिक को। ठीक सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि आज भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू का रहना दुश्वार कर रखा है अन्य लोगों की वजह से। मतलब हिंदू की सरकार होते हुए भी आप कह रहे हैं? हाँ, उसकी वजह है ना, हिंदू की सरकार। आप देखिए, हमारे मठ मंदिरों का पैसा सरकार के पास जाता है क्या? जितने भी अदर कास्ट है क्या उनका पैसा सरकार उनको दे रही है? उनके धर्म गुरुओं को पैसा दे रही है, उनको कार्य करने के लिए पैसा दे रही है, मगर हम लोगों से पैसा लिया जाता है और हमें परेशान किया जाता है, यानी कि भेदभाव हो रहा है बुरी तरीके से। सबसे बड़ा साधुओं के साथ, साधु कहीं भी जो है तपस्या के लिए बैठता परेशान किया जाता है कि यहाँ क्यों बैठे हो, वो दूसरी जातिवादी का बात की जाती है, समझे जी? कहीं साधु आश्रम बना ले, छोटा सा कुटिया बना ले, वहाँ पानी की व्यवस्था बंद कर देते हैं, लाइट की व्यवस्था बंद कर देते हैं। जंतर मंतर आए हैं, एक राज्य की बात कर रहे हैं, संविधान में संशोधन की बात कर रहे हैं, क्यों? अरे ये इसलिए कि हमारे हिंदू ही हिंदू नहीं बन रहे हैं, हिंदू राष्ट्र तो ये है, आप हिंदू बन जाओ, तिलक लगाओ, चोटी रखो, मांसाहार मत करो। तो संविधान में तो सबको अपने स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है,
तो आप किसी को बाधित थोड़ी ना कर सकते हैं। हम किसको बाधित कर रहे हैं? हम तो अपने ही भाइयों को कह रहे हैं, हम तो किसी अपने भाइयों को भी तो स्वतंत्र है, वो जैसे चाहे वैसे रहेंगे। नहीं, अगर ऐसा होगा तो कश्मीर, बंगाल, असम बन जाएगा और एक दिन अफगानिस्तान बन जाएगा, क्योंकि उनका धर्म कहता है कि या तो इस्लाम करो धारण, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। काफिरों को धरती से मिटा दो। काफिर कौन? जो इस्लाम को नहीं मानता। अगर आपकी पॉपुलेशन, आपकी जनसंख्या उनके बराबर नहीं होगी, कश्मीर में क्या हुआ? कश्मीर फाइल नहीं देखी मेरी बहन? देखी है? तो बस फिर क्या रह जाता है कहने को? अगर इतना आप जानते हो तो फिर क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। अगर हम हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं तो कोई अनुचित नहीं कर रहे। उनके 56 देश हैं, ईसाइयों के 78 देश हैं, तुम्हारा एक भी नहीं। एक देश अब हिंदू खतरे में कहां है? हिंदू खतरे में कब नहीं था? हिंदू तो आपकी सरकार है, आप कहां से खतरे में हो? कमाल कर रहे हो, ये सरकार कितने दिन रहेगी? जिस हिसाब से उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, एक दिन ये सरकार चली जाएगी। उनकी सरकार आएगी और फिर क्या लागू होगा? जजिया, जजिया फिर लागू होगा। धार्मिक यात्रा पे जाने के लिए टैक्स देना पड़ता है। तो अपना धर्म गुरु है, धर्म गुरु का काम होता है सबको लेके चलना, सबको लेके चलना, अपने लोगों को लेके चलना। तो या तो आप अपनी बात कर रहे हैं ना? तो अपनी ही बात करूंगा मैं। तो फिर धर्म गुरु तो सबकी बात लेके चलते, सबका हित सोचते हैं। अगर सबका हित सोचे, अपनी माँ बहन बेटियों का बलात्कार करवाए, दोबारा वो लगे मीना बाजार जहाँ 2-2 रुपए में हिंदू लड़कियां बिकती थी। अफगानिस्तान में आज भी मीनार है जिसके ऊपर लिखा हुआ है दुखतराने ए हिंदुस्तान। तो आप एक तराजू में सबको तोल रहे हैं क्या? सभी मुस्लिम एक जैसे थोड़े ना होते हैं? सभी नहीं होते, तो 90% होते हैं। अक्षय कुमार की पिक्चर का डायलॉग है, कहते हैं कि सारे आतंकवादी मुसलमान ही होते हैं, तो क्या जवाब था कि मुसलमान ही आतंकवादी क्यों होता है? मैसेज देना चाहेंगे हिंदुओं को? हाँ, ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को बढ़ाओ, नहीं देने बचोगे नहीं। 4 नहीं तो 6 बच्चे तो करो। लेकिन मोदी जी का नारा है हम तो हमारे तो। बिल्कुल नहीं, मोदी जी हमारे सामने ये बात कहे, यही मोदी जी थे कह रहे थे जामनगर में कि हर हिंदू को 4 नहीं तो 5 बच्चे तो करने ही चाहिए।